हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो बाइक आप पीछे खड़ी देख रहे हैं इसको तो आप जानते ही होंगे, कुछ टाइम पहले हमने इसे खरीदा है। तो जो जो इसके अंदर छोटे मोटे काम है हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम अपना मॉडिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं आपको बाइक दिखाता हूँ। इसका जो फ्रंट ब्रेक है ये जाम है, तो इसकी हम खोल के सर्विस करेंगे, अच्छे से देखेंगे क्या क्या पार्ट्स इसमें डलना है, क्या क्या इसमें रिपेयर होना है, सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। कैलिपर वगैरह सब डिसमेंटल करके इसकी सर्विस कर लेंगे आज। तो चलिए इसको ले चलते हैं और इसका डिस्क ब्रेक खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं इसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, पहले किसी ने खोला होगा इसको। और ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपका जो स्क्रू ड्राइवर हो वो एकदम शार्प हो, नहीं तो ये और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, फिर ये खुलेगा नहीं। एक लूज हो गया, इसकी उम्मीद कम लग रही थी लेकिन हो गया। इसको और ट्राई करते हैं। चलो बढ़िया, ये भी खुल गया। ये इसका कैप है और ये इसका डायफ्राम है। ऑयल की हालत आप देख सकते हैं, ऑयल तो है ही नहीं है, कीचड़ बन चुका है, कीचड़। इसको ऑयल को मैं पहले इंजेक्शन से खाली कर लेता हूँ। इसको हम इंजेक्शन से खाली कर लेंगे तो, क्योंकि ये ब्रेक ऑयल जो है बहुत हार्मफुल होता है पेंट के लिए, कहीं ये गिरे ना, ये वेस्टेजेस को फेंक देंगे। चलिए अब कैलिपर को खोल लेते हैं। कैलिपर खोलने के लिए हमें ये पेट के दो स्क्रू खोलने पड़ेंगे। इसके अंदर 5 नंबर के बोल्ट हैं एलंकी के, वो खोल लेंगे जिससे पेट भी लूज हो जाएंगे। और 12 नंबर के दो ये बोल्ट खोल लेंगे जिससे कैलिपर बाहर आ जाएगा। चलिए फटाफट मैं इसको खोल लेता हूँ। ये देखिए इस टाइप की ये कैप है, उसके बाद ये एलंकी से हम ये बोल्ट लूज कर लेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना आए। देखिए कितना जाम है, ये फिक्स हो गया ये प्लेट में कैलिपर। पेट तो अभी चल जाएंगे, इसके पेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम अच्छे से इस पार्ट को क्लीन कर लेंगे और ये पिस्टन बाहर निकाल के इसको अंदर से क्लीन करना है अच्छे तरीके से। और जो भी इसकी रबरें हैं इनको भी क्लीन करना है, लेकिन इनको पेट्रोल बिल्कुल नहीं लगाना है, पेट्रोल से डैमेज हो जाती है ये। इसका हमने रिजर्व वायर तो खाली कर दिया, इसके अंदर हम दूसरा ब्रेक ऑयल डाल देते हैं ताकि हम पिस्टन को रिलीज़ कर सकें। कंप्रेशर की मदद से वो आसानी से निकल जाएंगे, नहीं तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब हमें इसको यहाँ से लीवर को प्ले करना है, जहाँ से हम जितना जितना प्ले करेंगे वहाँ से पिस्टन बाहर आता जाएगा। ये देख सकते हैं आप, एक पिस्टन बाहर आ गया, मतलब ये वाला पिस्टन जाम है। तो इसको हम होल्ड करेंगे, बस एक पिस्टन को होल्ड करना है यहाँ से। इसके अंदर ध्यान रखना उंगली ना आ जाए, नहीं तो उंगली टूट भी सकती है। देखो ऊपर से मैं लीवर को प्रेस करूँगा तो ये पिस्टन बाहर आता जाएगा। ये देखिए अब ये वाला पिस्टन लॉक हो गया, अब निकलेगा ये वाला पिस्टन, देख सकते हैं आप। एक मिनट इसको अटका के मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अकेला हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो ये देखिए दोनों पिस्टन काफ़ी हद तक हमने बाहर निकाल लिए, इससे ज़्यादा हम इसको निकालेंगे नहीं कंप्रेशर से। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि किस टाइप की हमको फाइल लेना है। हाफ राउंड में इसको इसमें लगाएंगे, ये एक लॉक बना लेगी अपना, उसके बाद हम इसको खींच लेंगे धीरे। ये देखिए ये इसका ऑयल निकलेगा अंदर से, ये देखिए कितने आराम से निकल गया। इसी तरीके से दूसरा पिस्टन भी निकाल लेंगे। अब ये इसके अंदर से ये ओरिंग वगैरह है, इसको भी हमें क्लीन करना है दोनों, लेकिन इनको पेट्रोल से कभी भी साफ़ नहीं करना वरना ये पूरी डैमेज हो जाएंगी। अगर ये ख़राब निकलती हैं तो हम इसको चेंज कर देंगे, और अगर सही निकलती है तो इसको अच्छे से क्लीन करके वापस इंस्टॉल कर देंगे। पिस्टन तो मुझे ठीक लग रहा है वैसे, इसमें कोई ऐसे मेजर स्क्रैच नहीं है, बाकी साफ़ करने के बाद पता चलेगा। चलिए अब इसको पूरा डिसमेंटल कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसको क्लीन करने की प्रोसेस बताते हैं। क्लीन हम कर लेंगे इसको
किसी भी डिश वॉश वगैरह से, शैम्पू वगैरह से क्लीन अच्छे से हो जाते हैं ये। पेट्रोल का हमें यूज़ करना ही नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने डिसमेंटल कर ली हैं। इसके अंदर देखिए कितना कचरा है, कीचड़ की तरह हो रहा है पूरा ये। इसका ये मास्टर सिलेंडर भी इसके अंदर से, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से क्लीन करेंगे और इसको पेट्रोल से नहीं, शैम्पू वगैरह से हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और ये लाइनें, अगर अपने पास कंप्रेशर है आपके पास तो आप इसमें हवा मार के क्लीन कर सकते हैं। बाकी इसको पानी से क्लीन करने की कोशिश करूँगा। और पिस्टन ये देख सकते हैं आप, ये ठीक है। इसको हम बारीक वाले सैंड पेपर से थोड़ा सा पॉलिश कर देंगे तो ये बढ़िया काम कर जाएंगे। और इसको याद रखना, जैसे मैंने फाइल लगा के निकाला वैसे ही निकालना है। अंदर से डैमेज हो जाएगा चलेगा ये, लेकिन बाहर से अगर इसमें निशान आ गया तो ये लीक करेगा। तो इसको प्लास से ऐसे पकड़ के नहीं निकालना कभी भी। ये देखिए इसके अंदर भी कैसी कंडीशन है, ये पूरा जाम पड़ा है अंदर से, तभी ये सीज़ हो रहा था पिस्टन। ये वाला फिर भी ठीक था। तो इसको पूरे को हम अच्छे से अंदर बाहर से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका इंस्टॉलेशन दिखाएंगे, उसकी वर्किंग बताएंगे। ये देखिए इसकी ओरिंग में निकाल रहा था तो मैंने सोचा आपको भी इसको दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके से इसको निकालना है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डैमेज ना हो। एक तो मैंने निकाल ली है, दूसरी ओर निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये निकाल गई। तो इसकी रबर भी सही कंडीशन में ही हो रही, तो हम इसी को वापस इंस्टॉल कर देंगे। ये जो कचरा है इसकी कॉलर में, ये अच्छे से हमें क्लीन करना है, इसकी वजह से ही पिस्टन जाम होते हैं। तो ये जिस तरीके से हमने निकाली है, इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। बस बड़े आसानी से ऐसे निकल जाती है ये, देख सकते हैं आप। एक मोटी है और एक पतली है, मोटी वाली नीचे लगेगी और पतली वाली ऊपर। ओरिंग बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में, इसको साफ़ करके दोबारा लगा देंगे। तो चलिए इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस पर पानी के प्रेशर पड़वा देते हैं अच्छे से, तो इसके जो होल्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये वाला बोल्ट भी हम खोल लेते हैं, ब्लेड बोल्ट, इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। जितना हो सकता है उतने तरीके से मैंने इसको क्लीन कर लिया है। अब बारी है इसको वापस फिट करने की, असेंबल करने की। कुछ पार्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ इसके। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पिस्टन बिल्कुल स्मूथ हो गया, एकदम क्लीन, और इसमें कोई ऐसे मेजर स्क्रैचेस भी नहीं थे। अंदर से इतना मायने नहीं रखा था ये। ओरिंग भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन है एकदम। इसको भी हमने सैंड पेपर से स्मूथ कर लिया है, ताकि ये जब चलता है प्रेशर के साथ तो इसके अंदर प्ले होनी चाहिए थोड़ी। देख सकते हैं आप इसकी, जितना हो सका उतना मैंने क्लीन कर लिया इसको। और ये ब्रेक लाइन जो देख रहा है आप, इसके अंदर भी हमने यहाँ से प्रेशर मार के पानी डाल दिया, ताकि इसकी क्लीनिंग हो जाए। सारे पार्ट्स बिल्कुल हो गए हैं, जो पार्ट्स निकले थे हम वही वापस इंस्टॉल करेंगे। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ हमें ब्रेक ऑयल नया डालना है इसमें, बाकी सारे एज इट इज़ वही के वही लग जाएंगे।